व्हाट्सअप पीपल, फिर से आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। तो भाई क्या बोलते हैं, आज फिर से एक और मॉडिफिकेशन पे वीडियो है। तो आप वो मॉडिफिकेशन किस चीज़ पे हो, तो आप टाइटल टाइटल पढ़ के समझ जाओगे। तो भाई अभी तो अपन भाई डॉम की गाड़ी पे ही है, हमारी गाड़ी पे थोड़ा टाइम लगे। अभी लास्ट टाइम व्हील कवर पे बनाई थी, आज दूसरी मॉडिफिकेशन है तो उसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भाई थोड़ी बहुत बॉडी चेंज वगैरह रोके तो मैं बताता हूँ क्या हो मॉडिफिकेशन के लिए। भाई ये देख लो भाई, ये भाई अपने ड्यूक ड्यूक 390 या ड्यूक 250 की X3 किट, ऐसी वाली है भाई ये। आगे से थोड़ी शार्प रहती है ये, और ये थोड़ी बड़ी रहती है नॉर्मल X3 किट से। तो भाई इसी की प्रॉपर फिटिंग करने जा रहे हैं अभी अपन हम लोग नीचे। बस भाई ये दो नट पे बैठती, इसको थोड़ा बहुत छेद खोलने पड़ेंगे इसके, अभी जाके खोलते हैं फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बताएंगे। ये दूसरा साइड का है। तो भाई ये मैंने इंस्टाग्राम से मंगाई थी भाई, प्राइम का प्राइम हो कस्टम जो भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल चैनल की लिंक डाल दूँगा, जो भी चैनल है वो पेज की लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो, है ना। तो मैं इसकी प्रॉपर बता रहा हूँ फिटिंग वगैरह कैसी है, नीचे पहुँच के बताता हूँ मैं आपको। हाँ तो भाई ये रही अपनी गाड़ी, और ये रहे अपने वो X3 किट जो अपन फिट करने वाले हैं। ये बोल रहा था ना इसके छेद पैक है भाई, वो अपन ये रही अपने ड्रिल, इससे अपन करेंगे अभी ड्रिल और बाकी ये सब अपने टूल किट वगैरह। तो भाई ये देखो भाई, अभी रिसेंटली अपन ने ये रैप करा है भाई, कार्बन फाइबर फिनिश। ये नॉर्मल पैनल है भाई, जो स्टॉक पैनल आता है उस पर कार्बन फाइबर फिनिश करा है। अब मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, बताओ इसका भाई ये कैसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी लास्ट लास्ट व्लॉग अपना वही था व्हील कवर पे, मैंने डाल ही चुका है व्हील कवर का व्लॉग, तो आप देख लेना। और बाकी बस अब एक्स्ट्रा किट लगाने का हो रहा है, देखते हैं ये किस साइड की है। मेरे ख्याल से ये इसी साइड की है ना। तो भाई ये ऐसे फिट हो जाएगी, ये देख लो भाई इसके ऊपर, ये ऐसी वाली किट है तो ये आगे से थोड़ी शार्प रहती है, मैंने बताया था ना अभी तुम्हें। बाकी ये दो नट पे आगे बैठ जाएगी यहाँ पे। तो भाई ये देख लो, ये हो चुके दोनों पे होल, है ना। बस अब इसकी नॉर्मल फिटिंग करनी है। इधर आओ भाई मैं बताता हूँ कैसे। भाई ये छोटी सी एलिंग की लगेगी इसे फिट करने के लिए, इधर जाओ, ये इसी साइड का है ना। हाँ ये देख लो भाई, दो जो होल करे ना भाई, ये और ये वाले नट पे बैठेंगे। तो इन दोनों नट को तुम लोगों को खोल देना, मैं खोल के बता रहा हूँ, देख लो। बाकी देखते हैं, भाई इधर क्लोज दिखाओ, नॉर्मल खोलना है इन दोनों नटों को। चलो तो भाई ये दोनों नट निकल गया, अब ये देख लो, ये देखो भाई ये ऐसे पैनल यहीं पे बैठ रहा है, सीधा सीधा ऐसे बैठ जाएगा यहाँ पे आके, है ना। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा ब्रो, इसके लिए बड़े नट लगेंगे यहाँ पर, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ तो भाई ये देख लो, अभी मेरे पास बड़े नट तो है नहीं भाई, इसमें बड़े नट लगेंगे क्योंकि स्पेस बढ़ गया भाई, है ना। तो बड़े नट लगेंगे इसमें, मैं मार्केट से अभी लेके आता हूँ। बाकी ये देख लो भाई, ये ऐसा लगेगा, इधर दिखाओ भाई। इसमें नॉर्मली तुम्हें दो नट फिट करने, अभी तो मेरे को लाने पड़ेंगे यार, मैं लाया नहीं, है ना। दो नट यहाँ पर बैठेगा और तुम्हारी पूरी X3 किट ऐसी फिट आएगी भाई, पूरी ऐसी लगेगी भाई, सही आ रहा है भाई। मैं लुक वाइज तो बढ़िया आ रहा है, दूसरी भी बिठा के दिखाई देता हूँ मैं तुम्हें, है ना। ये देख लो क्या प्यारा लुक आ रहा है भाई, ड्यूक 390 X3 किट, सुपर ड्यूक की फीलिंग आ रही है भाई 790 जो आती है ना वैसा लग रहा है भाई कुछ, लेकिन लुक बढ़िया आ रहा है भाई। कार्बन फिनिश भी पीछे दिए ना उस चक्कर। बाकी कुछ नहीं करना भाई, मैं ब्लॉक में तो बता नहीं पाऊंगा, बाकी दो नट फिट करना है, नेक्स्ट ब्लॉक में कोशिश करूंगा बताने की। बाकी दो नट नए लाने पड़ेंगे बड़े, मैं तो लाया नहीं, मेरे को लगा इसी नट में हो जाएगा स्टॉक नट पे, लेकिन नहीं। बाकी देख लो भाई, बहुत प्यारी लुक आ रही है अब गाड़ी की, आगे देख बल्कि बल्कि फील लग रहा है भाई थोड़ा बहुत। एनीवेज चलो भाई, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और नए ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी।